सात साल पुराने दिल्ली में हुए निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट जारी कर चुकी है। हालांकि कानूनी नियमों की वजह से 22 जनवरी को दोषियों को होने वाली फांसी की तारीख आगे बढ़ गई। इस मामले में जिस तरह से बीते दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, उससे निर्भया की मां बहुत आहत है। दरअसल बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह जानबूझकर चारों मुजरिमों को फांसी पर लटकाने से बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि देश को झकझोरने वाले निर्भया केस के आरोपी आज तक फांसी पर नहीं लटके। इसका एकमात्र कारण दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की लापरवाही है। बेटी के गुनहगारों को सजा मिलने की तारीख टलने पर निर्भया की मां ने कहा कि जब 2012 में ये घटना हुई थी तो यही लोगों ने हाथ में तिरंगा लिया, काली पट्टी बांधी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खूब रैलियां की। आज यही लोग बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपने रोक दिया, कोई कह रहा है कि हमें पुलिस दे दीजिए, हम दो दिन में दिखा देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये अपने फायदे के लिए उनकी फांसी को रोके हैं। हमें इस बीच में मोहरा बनाया, इन दोनों के बीच मैं फंसी हूँ। तो मैं कहना चाहती हूँ खासकर पीएम मोदी से कि आपने 2014 में बोला था बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि एक बच्ची की मौत के साथ मजाक मत होने दीजिए और चारों गुनहगारों को 22 तारीख को फांसी पर लटकाइए और समाज को दिखाइए कि हम समाज के रखवाले हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। ये उस माँ के बयान है जो अपनी बेटी की मौत के बाद लगातार 7 साल से दोषियों को सजा दिलाने और बेटी के इंसाफ के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही है और एक एक दिन गिन रही है कि कब वो घड़ी आएगी जब उन दरिंदों का अंत होगा। बता दें कि दिल दहला देने वाली निर्भया केस के 6 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक मुजरिम ने कुछ दिन पहले जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, दूसरे को नाबालिग होने का फायदा मिल गया। इसी बीच खबरें ये भी आने लगी हैं कि पटियाला कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। नए वारंट के मुताबिक चारों दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। अब देखना ये है कि क्या 1 फरवरी को चारों दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा या अब भी मामले में कोई नया मोड़ आएगा। टीम खबर अपडेट।